हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरपाल और आप देख रहे हैं शिक्षा का ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आज जो आपको इस वीडियो में यही सिखाऊंगा कि इस प्रकार का अगर आपको कहीं भी सवाल मिल जाए तो हम उसे किस प्रकार जो है हल करते हैं। तो बहुत इजी होता है, देखने में जो हमें बहुत हार्ड लगता है और सोल्व करने में बहुत ईजी होता है। तो ये पूछ रहा कि 0.01024 की घात 1/5 किस के बराबर है। तो मैं यही बताना कि किसके बराबर है, ठीक है। तो जब आप इस प्रकार के सवाल को हल करेंगे तो हमें एक सूत्र की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है, याद करने की। तो आपको सूत्र भी जो है याद कर लेने, ए यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, ए प्लस बी, सॉरी यहाँ पे जो है हमारा मार्कर थोड़ा चलना रहा, मैं आपको मार्कर दूसरा ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं हमें जो सूत्र लिख रहा हूँ, ए अपॉन बी की घात एम बराबर होता है ए की घात एम अपॉन बी की घात एम, ठीक है। तो आपको ये सूत्र बहुत ज़रूरी याद करना है जब भी आप इस प्रकार के सवाल को जो है हल करोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर इस कोई ए अपॉन बी की घात एम है तो वो ए के ऊपर भी घात लग जाएगी, हमने घात अलग अलग लगा दी, और बी के ऊपर भी जो घात लग जाएगी एम, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को हम किस प्रकार हल कर लेते हैं, आप देख सकते हैं, हल यहाँ पर लिख देंगे हल, ठीक है। तो 0.01224 हमारा सवाल है। अगर हम इसकी दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमें उतनी जो है जीरो बढ़ानी होती है जितनी दशमलव के बाद अंक होते हैं। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 पांच अंक हैं, तो हम एक डंडा खींच के 5 जीरो बढ़ा देंगे उसके नीचे, क्योंकि हमने दशमलव हटा ली। 1, 2, 3, 4, 5 पाँच जीरो लगा लिया। अगर यहाँ एक संख्या और होती तो हम 6 जीरो बढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें 5 ही अंक हैं, तो हमने 5 जो है संख्या बढ़ा ली, ठीक है। ये हमारी दशमलव हट गई, तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे और 1/5 लिख देंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर क्या बचा, हमारा बचा यहाँ 1024, क्योंकि जो 1 के आगे कोई जीरो लगी हुई है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं 1 के आगे जीरो लगाता जाऊँ, जीरो लगाता जा रहा हूँ, तो क्या रहेगा, 1 ही तो रहेगा। अगर इसके कोई पीछे जीरो है तो उसकी वैल्यू है, क्योंकि अगर हम जीरो के पीछे एक लगा देंगे तो 10 गुना बढ़ा देगा, एकदम से 10 बन जाएगा। और 2 जीरो लगा देंगे तो 100 गुना बढ़ जाएगा एक, ठीक है। तो 100 बन जाएगा, आगे वैल्यू कोई नहीं है। तो हमारी ये 2 जीरो और के ऊपर लगे हैं तो कोई इसकी वैल्यू नहीं, हमारा यो है ओनली ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब कौन कितना हमारा, आप देख सकते हैं जो है इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1 लाख, ठीक है। 5 जीरो लगे हैं, तो आप यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लिख लेंगे, ठीक है। घात कितनी हमारे, 1/5। तो यहाँ लो आपको अच्छे से समझ आएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपको पता है 10 जो हमारा लिखा हुआ है, सॉरी 1024 जो लिखा हुआ, ये इस प्रकार लिखा हुआ है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करके इसी प्रकार 10 तक लिखा हुआ, ठीक है। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसी प्रकार जब आप 10 तक करोगे, ठीक है, तो इसका जो मान 2 की पावर 10 आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, आप 2 के गुना 10 तक करोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना करके, तो यही आएगा 1024 हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 की पावर, क्योंकि हमें जो है वो संख्या जो है उसमें बनानी है ना छोटी करके, इसी प्रकार हमने 2 से जो है लिख लिया करके, 2 की पावर 10 अपोन ये जो लिखा हुआ हमारा, देख सकते हैं कितनी जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा ये 10 की पावर 5 होगा। अगर यहाँ 0, 4 होती तो 10 की पावर 4 हो जाता, ठीक है। किस प्रकार है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 10 की गुना 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हो ना 10 की पावर 2, इसी प्रकार तो लिखा हुआ है 10 की पावर 2, 10 गुना 10 करके, तो इसी प्रकार हमने जो है लिख लिया है 10 की पावर 5। आप अगर इसकी ओर गुना 10 में करोगे कितना आ जाएगा, 10 दम 100, 100 दम 1000, ठीक है। 10 की पावर 3 हमारा 1000 आ जाएगा, इसी प्रकार हमारी जीरो बढ़ती रहे। तो यहाँ लो आपको अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 1/5, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दें, और मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा।
ठीक है, यहाँ पे जो हम आगे का जो सवाल हल करेंगे, तो अब हमें पता, जब हमने यहाँ पे देख लिया हमारा सवाल बिल्कुल बन चुका है इस प्रकार अपॉन में, तो हम इसकी घात अलग अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 10, ठीक है, अरे एक बाहर है जो हमारी घात ये वाली 2 की पावर 10, एक ये वाली घात हमारी कहाँ है, 1/5 / 10 की घात 5, ब्रैकेट में एक घात हमारी बाहर है ये वाली 1/5, देख सकते हैं कहाँ है ये वाली। तो हमने जो एक घात यहाँ पे इस सूत्र में लिखा हुआ है, हमने हमारा ए पे भी लग रहा और बी पे भी लग रहा, तो हमारी एक घात 2 पे भी लग गई और 5 पे भी लग गई। तो हाँ लो, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आगे करते हैं, यहाँ पे तो आप इसे लिख सकते हैं 2 गुना में ही तो लिखी हुई है ये जो हमारी बाहर घात है, तो 2 की पावर 10 × 1/5। तो यहाँ पे तो ये सवाल आएगा नहीं, थोड़ा मैं जो है यहाँ पे इसके नीचे करके दिखा रहा हूँ, नहीं अभी आ जाएगा, चलो यहीं पे कर लो क्योंकि और हमें यहाँ पे भी करना है। 2 की पावर 10 × 1/5 ये वाली घात गुना में लिख ली अपॉन, अब नीचे 10 की घात 5 × 1/5, तो आप देख सकते हैं 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो हमारे यहाँ क्या बची, इसी प्रकार 5 × 5 = 5, 5 × 5 हमारा क्या बचा यहाँ 10, ए की घात तो बची, तो हमारा आप देख सकते हैं ऊपर क्या बचा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2, 2 = 2, 2 की पावर 2 बची नीचे है, 10 से हमारी घात हमारी खत्म होती है, तो 1 ही बची 10 की घात, तो 1 ही हम 10 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है हमारा / 10। तो यहाँ लो, आपको अच्छे समझ में आ, या तो इसका सवाल क्वेश्चन में यही दे देगा आंसर, ठीक है, अगर यहाँ नहीं दे तो इसकी जो है गुना कर दो, 10 में लगा कर 0 बढ़ा दो, क्या हो जाएगा 0.4, इसका आंसर ये भी आ सकता है या इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने आंसर को मैच कर लें, कुछ भी इस दोनों में से इसका आंसर हो जाता है, क्योंकि इन्हें 10 से इसमें 40 में भाग दे दी, जब हम 10 में लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10 × 40, तो आप देख सकते हैं ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप जो है कोई सा भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार की जो है वीडियो चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। और दोस्तों जो हमारे वीडियो देखते हैं उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आपसे आशा करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।